हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे परफेक्ट प्लान और स्ट्रेटजी बनाए कि आप नीट 2024 को एग्जैक्टली क्रैक कर सको। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक परफेक्ट प्लान स्ट्रेटजी। तो ध्यान से देखिएगा सारे चीज़ को। मैं रेगुलर प्लान बताऊँगी कि कैसे आपको क्या कंसिस्टेंसी करनी है। द थिंग नंबर वन इज़ दैट कि आपको रेगुलर प्लान स्टडी बनानी चाहिए। सबसे पहले तो आप अपने टीचर सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन से टीचर से क्या पढ़ना है। जो फिजिक्स केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके लिए आप एक प्रॉपर टीचर को सिलेक्ट कीजिए और उनसे उनके लेक्चर को कंसिस्टेंसली देखिए। आपको यहाँ पे खरगोश की चाल नहीं चलनी है, आपको कछुए की तरह पढ़ना है, कंसिस्टेंट होकर पढ़ना है। कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम आप देने जाओगे तो आपको वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप कंसिस्टेंट हो कि नहीं हो पढ़ाई को लेकर के, ठीक है। तो आप जब भी लेक्चर देख रहे होंगे तो उसके साथ साथ आप नोट्स जरूर तैयार कीजिएगा। नोट्स कहा जाता है ना, वो है अमृत है। जैसे आपको आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट आप न्यूट्रिशन वाली जो चीज़ें होती हैं उसको आप अलग रखते हो, उसको बाद में खाते हो ताकि उससे आपको न्यूट्रिशन मिल सके, ठीक है। आप बहुत सारे फूड वगैरह ये सब कंज्यूम कर लोगे लेकिन आप जो न्यूट्रिटिव चीज़ होगी उसको आप बाद में कंज्यूम करोगे ताकि आप की जो बॉडी है वो डिटॉक्सीफाई रहे और आपका आप फ्रेश रहो। तो ठीक वैसे ही आपके जो नोट्स हैं वो आपके एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ही न्यूट्रिशन का काम करते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में एकदम से रिवाइज होने लगता है कि आपने क्या पढ़ा था, आपने क्या नहीं पढ़ा था, ठीक है। उसके साथ साथ जब आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए तो आप PYQ ज़रूर करिए। PYQ करने से ये होगा कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पिछले साल या पहले किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपके नीट से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, जो आपने पढ़ा है वो किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मालूम चलती है, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए आप जो NCERT एक्सट्रैक्टेड क्वेश्चन है उसको भी तैयारी करते रहिए, ठीक है। आपको उससे रिकॉल होते रहेगा, एक तरीके का रिवीजन हो जाएगा वो। जब आपके 3-4 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं तो आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। अपने आप को एनालाइज़ कीजिए कि आप कितने पानी में हो, क्योंकि आपको जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैंने तो ये गलती कहाँ की है, ये मिस्टेक कहाँ किया है, और उस मिस्टेक को अगर आपने सुधार लिया तो आप तो 100% है कि आप नीट क्रैक कर दोगे। क्योंकि जब तक अपने मिस्टेक से नहीं सीखोगे, अपने फेलियर से नहीं सीखोगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि आपने क्या मिस्टेक किया और उसको आप सुधारने की कोशिश करिए। साथ साथ अगर आपके 3-4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं तो आप उसको रिवाइज जरूर कीजिए, क्योंकि आप न्यू चीज़ें पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप पुरानी चीज़ों को भूल जाओगे, ठीक है। तो साथ साथ में अगर आप नई चीज़ें सीख रहे हैं तो पुरानी चीज़ों को याद करके चलिए। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि आप अपने आप को मोटिवेटेड रखिए और थोड़ा सा फियर तो होना ही चाहिए। अगर आप फियर नहीं रहेगा आपके अंदर में तो आप उस चीज़ को ट्राई ही नहीं करोगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरा फेलियर कहाँ पे है, मैंने क्या मिस्टेक की है, हाँ ये गलती है कि नहीं है। और हर चीज़ को करने के लिए आप खुश रहना जरूरी और हर चीज़ को करने के लिए आपको खुश रहना जरूरी है। अगर आप खुशी मन से नहीं पढ़ोगे कि मैंने क्या, आप नई नई चीज़ें सीखोगे, आपको तो बहुत अंदर से खुशी होगा। आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको अच्छी रिजल्ट मिलेंगी तो आपको अंदर से खुशी होगी कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये किया है। अगर आप खुश होकर नहीं पढ़ोगे, डिप्रेस होकर पढ़ोगे, अरे यार ये गलती हो गई, अरे ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ ही मेरे अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो मेरे नीट में क्या नंबर आएंगे, तो ऐसे करने से नहीं काम चलेगा। अगर आप मिस्टेक कर रहे हो तो उसी हिसाब सीख रहे हो ना। अगर आपने मिस्टेक को अपने सुधार लिया तो आप नीट में निश्चय है कि आप सब कुछ सही करके आओगे। तो इससे घबराना नहीं है और मोटिवेटेड रहना है, हैप्पी रहना है और सब चीज़ को रिविज़न करते रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। या फिजिक्स और केमिस्ट्री हो, मानती हूँ ऑर्गेनिक बहुत सारा सिलेबस है उसको आप, लेकिन नीट में क्या होता है ना कि डेप्थ से नहीं पूछते कोई भी चीज़ें को। आप सिलेबस जरूर कंप्लीट कीजिए लेकिन हर चीज़ को रिवाइज़ कीजिए। नीट में आपको पूछेगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट कीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको क्या पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।